हाय, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाउ आर यू मैम? आई एम ग्रेट, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम नॉट एब्सोल्युटली गुड। एंड हाउ वाज द डे? फाइन। यू सीम्स वेरी हैप्पी। जस्ट क्लोज माय ऑफिस। आफ्टर ऑफिस एवरीबॉडी इज हैप्पी। दैट्स गुड। या सो मैम, डिड हैव यू एक्सपेक्टेड दैट यू गॉट अ प्राइज? No, I seriously didn't. When I saw the top 10, top 20 performers, then I'm like, my confidence went down. Like, I'm not going to be there. Okay, that's really great. And how was your experience, ma'am? It was good, actually good. Actually, this is the first time that I participated in a competition, a music competition. And you got that prize. This yes. is very nice. Really. Ma'am, have you received your gift? Yes, I got it. Thank you very much. Okay, great. Thank you, ma'am. Thank you so much. And ma'am, please, आप हमारे viewers को कोई अपना suggestion देना चाहेंगी for the music improvement? Yes. I mean, whatever source you have, just keep practicing, and things will fall back on track on their own. That's really okay. Great. Sure. Thank you, ma'am. YouTube से जितना सीख पाती हूँ सीखती हूँ। I hope someday I get to meet him. Yeah, sure, ma'am, sure. Thank you so much, ma'am. Have a nice day. All right, thank you. Thank you. You too. Bye. Bye bye. Thank you. I would like to talk about your experience this competition. Well, as I said, I had an absolutely wonderful experience in this competition. The reason being that we were told to sing without any music, without any soundtrack. So, you know, that's really good because we could sing with our original voice, with nobody using any auto tunes or any you know, those extra additional features. So it's a really good experience because singing with original voice, no mixing, no mics, really good. Sir, आपने expect किया था कि आप first position पर आएंगे? Well, कोशिश तो मेरी first prize की ही थी क्योंकि मैंने past में भी जब मैं India में था तो मैंने competitions में काफी part लिया था. एक कंपटीशन में सरोज खान जी एंड ऐश्वर्या मजुमदार जी जज थे, तो उस कंपटीशन में भी मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था. एंड दैट्स रियली ग्रेट. या तो कोशिश तो मेरी यही रहती है बेसिकली. मैं प्राइस तो ठीक है, वो तो मिलता है, बट द ओनली थिंग इज मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी गाना गाऊं उसको परफेक्टली कोशिश करूँ, जितना हो सके उतना अच्छा गा सकूं. हम रफी साहब की तरह या बाकी किसी सिंगर की तरह तो नहीं गा सकते, पर जितनी कोशिश कर सकते हैं वो मैं कोशिश करता हूँ. But you sung very well, sir. अरे experience कैसा रहा हमारे मयूर स्कूल ऑफ म्यूजिक के बाद? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आपके जितने भी टीम है वो वेरी कोऑपरेटिव है. लाइक मैसेजेस का रिप्लाई राइट अवे, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स अगर होते हैं तो राइट अवे आपका आंसर आ जाता है. सो एंड ऑफ कोर्स इतना बड़े लेवल पे कॉम्पिटिशन करना और उसको मैनेज करना, एंड यू नो इट्स अ बिग थिंग व्हिच यू गाइस आर डूइंग, व्हिच इज एन ऑसम थिंग. यू गाइस, थैंक यू सो मच सर. और सर, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आगे के कॉम्पिटिशंस के लिए? या मैं व्यूअर्स को एडवाइस यही देना चाहूंगा कि गाना सबको अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिस करके आए ताकि रियाज आपका अच्छा होना चाहिए. बिकॉज अगर आप गलत गाएंगे तो फिर जिनको मौका मिलना चाहिए उनका भी टाइम वेस्ट होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है. तो साखा रियाज करें, जैसा मयूर सर बोलते हैं, साखा रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे आवाज में स्थिरता आती है, वाइब्रेशन खत्म होता है. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिस करें देन गाएं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.